मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ठाकुरगढ़ की तनवर नगर नाके पे आप देख सकते हैं कि ये कचरों का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर काफी हॉकर धंधा लगाते थे, लेकिन आज कचरा ना उठाने की वजह से वो धंधा भी यहाँ पर नहीं लगा पाए। यहाँ पर एनसीपी के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और MIM के भी यहाँ पर कार्यकर्ता जावेद सिद्दीकी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जावेद भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप को पता है कि मुमरा शहर में जैसे जैसे चुनाव आता है, ये चुनाव की सरगर्मियों के लिए आज ये सब काम हो रहा है। अभी कल यहाँ पे इज्तिमा था, साफ था, अचानक रातों रात यहाँ डंप हो गया, तो ये कहीं ना कहीं जानी बूझी साजिश है। तो ये साजिश को हमें खत्म करना है और मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि थाने महानगर पालिका के जो कचरा विभाग के प्राइवेट कंपनी है उसको सोचना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अपना डंपिंग करे। इसके लिए मैंने जो है तकरार हमने पूरे मुमरा शहर के लिए कचरा के लिए आवाज उठाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कचरा और कचरा तो बहुत से लोग जो है आइए खाना खा ले चर के भर ले, एक ऐसा हालात है मुमरा शहर में। उस हालात को बदलने के लिए अगर हम लोग टिप्पणी करते रहेंगे हमारे शहर का कभी भला नहीं होगा। तो मैं उस अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है 20 साल 2020 को मैं हाई कोर्ट के जरिया एक नोटिस दिया था थाने महानगर पालिका को, अर्बन डेवलपमेंट को और पुलिस स्टेशन को कि मुमरा शहर कहीं भी हो, चाहे तनवर नगर हो, चाहे अमृत नगर हो, चाहे कौसा हो, जो ये बीच रोड में कचरा डाला जा रहा है और ये कचरे का जो अंबार है यहाँ पे जो जमा है ये नहीं होना चाहिए। किसी शहर के अंदर गंदगी करना, किसी शहर के यहाँ धुआं धक्कड़ करना, गंदा पानी बहना, इसका जो है जावेद भाई जी रोकना चाहूंगा। आप लोग एनसीपी कार्यकर्ता है, ये MIM के दोनों लोग यहाँ पर मौजूद है इस कचरे को लेकर। इनका ऐसा आरोप है कि ये कचरा यहाँ पर जानबूझ के रोका गया है। ये आरोप नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये पहले यहाँ पर एक छोटा सा कलेक्शन पॉइंट था जो इंदिरा की बिल्डिंग के सुबह सुबह यहाँ पे लोग कलेक्शन करवाते थे और यहाँ से उठा के उसको साफ किया जाता था, लेकिन पिछले 8 से 10 दिनों में ये पूरे शहर का कचरा लगे यहाँ पे डंप किया जा रहा है पूरे शहर का। तो इसी मांग को लिए हमने 4 दिन पहले भी यहाँ के अभिषेक कंपनी के जितने सुपरवाइजर्स थे उनसे हमने बात की थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जैसा पहले था इतराफ की बिल्डिंगों का कचरा वही डंप किया जाएगा, लेकिन हमने देखे कि पिछले 4 दिनों में कम होने की बजाय ये बढ़ता ही गया। आज देखेंगे आप तो आज तो कचरे का अंबार ही लग गया, ढेर लग गया, तो एक नाले तक थोड़े टाइम में कचरा एक नाले तक पहुंचेगा। तो आखिर क्यों नहीं आज उठाया गया? आज उन्होंने हमसे अभी जब हमने बात किया, हमने लेटर भी देखे है सागर सालुंगे साहब को, TMC में लेटर भी देखे है, तो उनका आज का रीजन था कि सिलफाटा पर कहीं आग लगी उसकी वजह से गाड़ियां आ नहीं पा रही है, उस रीजन की वजह से आज का ऑप्शन, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 8 दिनों से यही हाल है। कचरा उठते उठते शाम हो जाती है, सुबह से शाम तक कचरा इसी तरीके से पड़ा हुआ रहता है और उठते उठते शाम के 6 से 7 बज जाते हैं। तो पहले जैसा था कि हमारी मांग है कि या तो पहले से हमारी सबसे पहली बात ये मांगनी है कि कलेक्शन पॉइंट ही बंद किया जाए, कलेक्शन पॉइंट को शहर से बाहर रखा जाए, लेकिन अगर फिलहाल अगर टेम्पररी वक्त के लिए चाहिए तो जैसा पहले था कि इतराफ के इलाकों का ही कचरा है। आपने लेटर दिया है मंत्रालय में, कलवा मुमरा के जो विधायक है वो NCP से ही विधायक है, तो ये लेटर वगैरह देने की जरूरत क्या है? तो फटाफट काम हो जाएगा ना, तो देना पड़ेगा, लेटर प्रशासन का है, प्रशासन का काम है। कितनी बार लेटर दिया जाता है, कितनी बार लेटर, ये MIM के जावेद भाई है ये भी कितनी बार लेटर देते हैं और आप लोग भी कितनी बार लेटर देते हो, सिर्फ लेटरबाजी ही होती रहेगी, कचरा सड़कों पर पड़ता रहेगा। ये जिम्मेदारी अभिषेक कंपनी ने टेंडर ली है, तो ये जिम्मेदारी अभिषेक कंपनी की है, ये किसी की जाति जिम्मेदारी नहीं है, ये अभिषेक कंपनी की ये हालत है कि अभिषेक कंपनी की ये गैर जिम्मेदार रवैया है कि उन्होंने ये हाल पे लेके आया। अच्छा, जो यहाँ कलवा मुमरा के जो सत्ताधारी है इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सब तत्काल हटवा दिया जाए? टेंडर किसका है, टेंडर किसका है, जिसको टेंडर दिया गया उसको टेंडर जिसको दिया गया, यही जवाब। ये आज कितने, अच्छा ये बताइए, ये किस जवाब, ये कितने, साकिब भाई सुनिए ना एक बार, सुनिए ना एक मिनट, ये कितने साल से यहाँ पे है, ये कितने साल, सालों साल से ये कलेक्शन पॉइंट है। तो आज आप लोग लेटर दे रहे हैं, क्यों आज दे रहे हैं, इतने साल से क्यों नहीं आप लोग हटवाए? बताना, चलो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दिया हूँ, पहले आप समझ लीजिए बात को। पहले जो कलेक्शन पॉइंट था नशेमन कॉलोनी डोंगरी नगर तनवर नगर कलेक्शन पॉइंट होता था और सुबह सुबह ये कचरा साफ हो जाया करता था 11 साढ़े 11 12 बजे तक,
लेकिन अब पिछले 8 से 10 दिनों में आप यहाँ पर भी एतराब के लोगों को पूछ सकते हैं कि पूरे शहर का कलेक्शन पॉइंट बनाया गया, जिसका हमारा विरोध है कि शहर का कलेक्शन पॉइंट ना बनाया जाए यहाँ पर जैसा, और शहर का कलेक्शन पॉइंट बनाने की वजह से ये शाम तक सालों से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही कचरा यहाँ पर पड़ा रहता है और ऐसे ही वहाँ पर मित्तल के पास पड़ा रहता है, लेकिन खैर मित्तल का कुछ लोगों ने पार्टियों ने विरोध किया हटाया, लेकिन तलवर का अभी भी ऐसे ही है। यही बोलना है हमारी भी, आप लोग की अगर आप लोग का जलवा मुमरा में आप लोगों की सत्ता है, आप लोग कार्यकर्ता हो, कब का इसको हटवा दिए होते, और ये तो आज खुला आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझ के इसको रुकवाया है। काम है आरोप लगाना, हमारा काम है काम करना, उनका आरोप, उनका आरोप है, उनका आरोप लगाने का काम है, हमारा काम लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कल यहाँ पे मौलाना साहब का यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे, यहाँ कुछ भी नहीं था, अचानक ये रात को आया क्यों? नहीं नहीं, इनका ये भी कहना है कि आग लगी हुई है, आग लगी है, यही जगह है मित्तल ग्राउंड में जो टेम्पररी जगह दिया गया था वहाँ क्यों नहीं डाल सके, क्योंकि ये शहर का बीचों बीच है, यहाँ रास्ता भी नहीं है, यहाँ डालना उनको जरूरी है, या तो उनकी एक मिनी भगत है कि जो यहाँ हॉकर्स बैठते हैं उनको हटाने के लिए भी साजिश है, और इनका ये शहर के अंदर जो ये काम चल रहा है खाली लेटरबाजी, ये लेटरबाजी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए जमीन में उतरना पड़ेगा, ये जो प्राइवेट कंपनी है तो खाली लेटरबाजी हमने हटा के लिए, हमने कोर्ट तक गए, जभी तो कचरा हुआ वहाँ का जो कचरा साफ हुआ जभी तो हुआ, उसमें भी एनसीपी के, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सबूत कर एनसीपी के 4 नगर सेवक को मेरे पास लेटर है, उन्होंने अभिषेक कंपनी को लेटर दिया है कि ये कचरा जो हमारे शहर का है। महेश्वर भाई ये बताइए कि हटेगा कब ये कचरा, एक तो पहाड़ लग चुका है यहाँ पे। देखिए अभी हम लोग गए थे और सागर समूह के सबसे हमारी बात हुई है, अभी उन्होंने 2 दिन का टाइम बोला है, 2 दिन में हटेगा, मतलब 2 दिन में, 2 दिन में हटेगा, कल तो और आ जाएगा ये कचरा, मतलब सुबह हट जाएगा, 2 दिन का टाइम ये मांगा कि जो रेगुलर जो 11 हटेगा या सुबह तो और कचरा शहर से यहाँ आ जाएगा, ऐसा ये भी कहना है, यही जगह क्यों यार, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम डाले यानी कि कल जो है यहाँ पर पूरा ये डबल हो जाएगा कचरा, हमारे हिसाब से जो आज के हाल देख रहे हैं तो सुबह ये कचरा हटा जाएगा, आज नहीं हट सकता, आज गाड़ियां नहीं आ रही है, उस वजह से आज का एक एक्सक्यूज दिया गया, लेकिन ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 से 10 दिन की बात है, इसलिए हमने इसके ऊपर पहले से ही लेटर तैयार किया था और हमारी बातचीत होने वाली थी, आज इत्तेफाक हो गया कि आज उनका एक्सीडेंट का उनको एक बहाना मिल गया। अच्छा ठीक है, आज ट्रैफिक जाम में बात सही है, लेकिन कैसा है कि यहाँ पर कचरा ना डाला जाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसकी ही मांगनी हमने की है कि ये बंद किया जाए यहाँ पर, ये कलेक्शन सेंटर ही बंद किया। ऐसे मांगनी आप लोगों ने अब तक कितनी बार की? हमने इससे पहले भी जब मित्तल पे था आपने देखे थे, हमने मित्तल पे भी वहाँ पे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया था, अभिषेक कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया था, वहाँ पे भी लेटर दिया था, आंदोलन किया था अपना, आप देखिए रिकॉर्ड में, आप देखिए लाइव मौजूद है, लाइव भी मौजूद है वहाँ पर, शाकिर शेख हमारे नगर सेवक है, वो थे, हम थे वहाँ पर, हमने भी किया था, लाइव में भी मौजूद है, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला दूँ, ठीक है, वहाँ पे भी किया था, हमारा विरोध रहता है, प्रशासन जब भी काम नहीं करता हमारा विरोध उसके ऊपर हमेशा रहता है, यानी सिर्फ लेटर चलता रहेगा, मांगनी होती रहेगी कि यहाँ से कचरा हटाया जाए, लेकिन दिखाई दें आपको कि किस तरह से यहाँ पर ये कचरों का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर इतनी गंदगी है और बदबू जो है बेहिसाब आ रही है, ये तलवर नगर का एरिया है, यहाँ पर मार्केट भी लगती है, और ऐसा अभी इन लोगों का कहना है कि लेटर इन लोगों ने तो दे दिया है कि इसे हटाया जाए, लेकिन आज ये नहीं हटेगा क्योंकि आग लगी हुई है शिल फाटा के पास, काफ़ी ट्रैफिक भी जाम है, ये बात भी सही है, कल यहाँ पर और भी कचरे लाकर डाला जाएगा, कल जो है शाम तक यहाँ से कचरा हटेगा, तो आप सोचिएगा कि जो रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं और यहाँ पर जो धंधा लगाते हैं, यहाँ से इतनी बदबू निकल रही है तो कैसे लोग इसको बर्दाश्त करेंगे, और खासतौर पर मेन रास्ता ये है, यहाँ से मेन रास्ता है आने जाने वालों का, और काफी यहाँ पर गंदगी जो है इस तरह से रखी जा रही है, जो कि इस तरह से सड़क पर कचरा रखना नहीं चाहिए।